आज हम ऐसे पौधे लेकर आए हैं जो है मरता हुआ गुलाब। आप भी ये सोचेंगे कि हमारे पौधे में तो फूल हो रहा है, फिर मर क्यों रहा है। दोस्तों, यदि पौधा आप गुलाब का लगाए हुए हैं और इसका आप रीजन नहीं जान रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हमारा पौधा तो फूल भी दे रहा है पर स्टेम क्यों सूख रहा है। और स्टेम सूखने का ये रीजन जो है, यदि आप इसे पकड़ नहीं पाए तो धीरे धीरे आप हंसता हुआ पौधा को मार डालेंगे, क्योंकि ये पौधा आपको समझने से पहले ये ख़त्म हो जाएगा। होता क्या है, आपको ये बताते हैं कि हम यदि मर रहा है पौधा तो इसे हम हरा भरा कैसे करें। और इससे पहले भी हम गुलाब का ये मरता हुआ पौधा का जीवित किए हैं और वो पौधा दिखाएंगे अभी किस अवस्था में। जो अभी हमारा पीला गुलाब का ये अवस्था है, बिल्कुल सादा गुलाब में भी मेरा वो अवस्था था कि जिस तरह अभी बेजान ये है, ऊपर से हमारा स्टेम सूख रहा है। यहाँ से देखिए ये मोटी डाल जो है सूख रहा है, आपको निकाल कर दिखाएंगे और इसे ठीक कैसे करना है वो सारा बताएंगे। और इसमें लगता क्यों है, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं हमारा ही गलती रहता है जो हम गुलाब को ये इस तरह से फंगस लगने का कारण बनते हैं। और आपको ये लगेगा भी नहीं कि इसमें इस तरह से फूल भी आएगा, पत्तियां भी आएगी, और कहीं कहीं ये जो गुलाब है यहाँ पर ये गुलाब सूखता हुआ भी नज़र आएगा। जो इसका साइज है फूल का वो छोटा ही खिलेगा और इस तरह से रहेगा। तो इसे बहुत ही आसान है ठीक करना। और ये जो स्टेम सूख रहा है इसे तो हम पहले हटाएंगे, हटाने के बाद इसमें हम कार्रवाई कौन कौन सा करते हैं वो आप देखें। और इसे वीडियो को अच्छा से देखें, पॉज करके ना देखें, ताकि जो भी हम जानकारी देंगे वो जानकारी कहीं ना कहीं आगे ना बढ़ जाए। दोस्तों, हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप वीडियो आगे बढ़ा के भी देखेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही हमारा कोई नुकसान होगा, नुकसान आप खुद ही कर लेंगे। तो इसलिए आप पूरा ये वीडियो देखें और जानें कि इसे हम कैसे ठीक कर रहे हैं। तो बताने से पहले दोस्तों, एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि किसी भी तरह का हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें बहुत ही मेहनत लगता है और बहुत ही जानकारी के साथ बनाते हैं, क्योंकि हम अपने पौधे को हरा भरा करते हैं। तो आप भी हमारा वीडियो देखकर आप हरा भरा करना चाहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हम नर्सरी से सीखते हैं, सीखने के बाद इसमें अप्लाई करते हैं। तो हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें तो एक लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो आइए जानते हैं कि इसे हम कैसे ठीक करें। सबसे पहले आप इसकी मिट्टी को नीचे तक जाएं, हाथों से लेकर या खुरपी के मदद से आप जाएं कि ये फंगस तो लगा हुआ है कहाँ पर। तो ये जो हम हटा रहे हैं मिट्टी, इस जगह से मिट्टी हम हटा रहे हैं, हम इसे नीचे से ही हटाएंगे, क्योंकि ये हम उंगली के सहारे से छील कर भी देखेंगे तो ये कहीं से हरा नहीं दिख रहा है और ये टूट भी नहीं रहा है। यहाँ देखिए किस तरह से ये फंगस लगा हुआ है, कहीं से भी हरा नहीं है। हम इसे छील कर भी दिखाते हैं, ये कहीं से भी हरा नहीं है। देखिए इसका मिट्टी में कैसे फंगस लग रहा है, इसका स्टेम जो है गल रहा है, धीरे धीरे ये हमारा पूरा गल जाएगा। आप देखिए किस तरह से ये बेजान सा हो रहा है और इसी तरह सारा पौधा में हमारा लग जाएगा। इतनी मोटी डाल है जिसमें हमारा कम से कम 20 से 25 डाल आता, और ये स्टेम हमारा सूख चुका है। और इसे हम इसी तरह छोड़ देंगे तो पूरा जड़ सहित हमारा क्या होगा, पौधा सूख जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे जैसे यहाँ पर स्टेम सूख रहा है, यहाँ पर स्टेम सूख रहा है, यहाँ पर, यानी कि सारा पौधा में ये बीमारी लग चुका है। तो इस बीमारी का इलाज क्या है, तो मात्र आप घर का जो यदि चूना कोई पान खाते हैं तो वो चूना आप मंगा लें, क्योंकि वो चूना से ही हम इसे ठीक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मिट्टी निकालेंगे, इस तरह से खुरपी की मदद से आप थोड़ा सा इसका मिट्टी निकाल लें। गमले की मिट्टी हल्का कर ली है और यहाँ हम इस जगह में हमारा फंगस लगा हुआ है तो यहाँ पर हम वो दवा डालेंगे ताकि हम नीचे से इलाज कर पाएँ। और ये जो स्टेम सूखा हुआ है इसे भी हटाएंगे और बीच बीच में इस तरह से हम डाल को भी हटा देंगे ये कटर की मदद से। देखें जहाँ आपका स्टेम सूख रहा है उसका ठीक नीचे से आप इसे हटा दें। तो हम यहाँ से हटा दिए हैं और
कुछ इस तरह से इसे भी हटा देंगे, इसे भी हटा दिए, कुछ इस तरह से इसे भी हटा देंगे। इस पत्ते को साफ करें, आपको दिखना चाहिए कहाँ से डाल सूखा हुआ है, तो हम इसे इस जगह से, हमारा पूरा नीचे से ही ये सूखा हुआ है, इसे घुमाकर तोड़ लिए क्योंकि कटर वहाँ तक हमारा पहुँच नहीं पाता। और कुछ पत्तियाँ को भी आप हटा दें। इस तरह से पौधे को हम पूरा अच्छे से साफ कर लिए हैं और एक गुलाब को छोड़ दिए हैं इस तरह से। अब जो है नई जो पत्तियाँ आएगी, इसमें हम उस तरह से छिड़काव करेंगे और इसमें हम दवा लगाएंगे जो हमारा पौधा कहीं से भी फंगस लगने का शिकायत जो हो ना हो। यहाँ से भी हम बीच से इसे हटाते हैं, पूरा स्टेम को हम खोल दिए हैं। अब खोलने के बाद में जो अप्लाई हम करने वाले हैं वो आप देखें, लेना है आपको एक ब्रश की मदद, और सबसे पहले इस जगह को साफ करना है जैसे हम साफ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा गुलाब, जो ये गुलाब हम जो फंगस हमारा लगा था, आपको दिखाते हैं कैसे हम चूना का लेप लगा के इसे ठीक किए हैं। तो ये रहा हमारा चूना का लेप, हम इसे इसमें लगाए थे। जिस तरह से हमारा पीला गुलाब में दिक्कत हुआ था, उसी तरह ये वाइट गुलाब में भी हमारा दिक्कत हुआ था। यहाँ से हमारा फंगस लगा था और ये फंगस को हम ठीक कर पाए केवल चूना की मदद से। और आज ही इसका शक्ल कुछ इस तरह से है। और कभी इस तरह से स्टेम सूखता है तो आप चाहें तो इसे हाथों की मदद से तोड़ लें। आप ज़्यादातर इसे इस तरह से हटा दें, कटर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ज़्यादातर कटर से ही हमारा फंगस लगता है। कुछ इस तरह से सूखा हुआ स्टेम हटा दें। कहीं ना कहीं ये पत्तियाँ को भी आप हाथों की मदद से हटाएं, कटर का इस्तेमाल कम ही करें। और जब लगे कि नहीं ये कटर से ही जाएगा तो अच्छा से कटर को साफ कर लें आप इस तरह से, और तभी कटर का इस्तेमाल करें। और इसमें जब भी आप कटिंग करें तो कटिंग करने के बाद या तो लेप लगाएं हल्दी का या तो फंगीसाइड का लेप लगा दें, तो गुलाब में आप कभी भी फंगस नहीं पाएंगे। और यदि लग जाता है तो इस तरह से ठीक करें। तो ये जानकारी हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।